देखिए सुरजेवाला वैसे तो सभी लोग उसको कहते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऐसा कांग्रेस के लोग कहते भी हैं और राष्ट्रीय नेता समझ के ही उनको उपचुनाव भी लड़ाया गया था एमएलए होते हुए भी, लेकिन उन्होंने वहाँ की भी मुँह की खाई और दोबारा चुनाव हुए वहाँ भी मुँह की खाई। और आप कभी भी स्टेटमेंट उठाइएगा सुरजेवाला की, उनकी भाषा प्रदेश प्रवक्ता की होती है, कभी राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात नहीं। तो हरियाणा के अलावा कोई मुद्दा उनके पास नहीं होता। सुरजेवाला के दिल दिमाग और उसका सूक्ष्म शरीर पूर्णतः हिटलर और नादर शाह के आदर्शों पर चलने वाला है और उनकी करनी और उनका स्थूल शरीर उनको अमली जामा पहनाता है, उनको बहुत ज़्यादा लगाव इससे हिटलर ना। कभी आप चेक कर लीजिए, आप ये बताइए आज पूरे हरियाणा में पानी देने के लिए अगर सरकार किसानों को कह रही कि भाई आप वॉलंटरी तौर पर आप धान ना लगाएं कुछ क्षेत्र के लोगों को, ताकि पूरे, अब हमारे दक्षिण हरियाणा में पानी कहाँ आता था, लेकिन जब उन लोगों को रिक्वेस्ट किए भाई आप सबको पानी मिल जाए और जहाँ बहुत ज़्यादा नीचे गया वो धान ना लगाए, तो उसमें उसको आपत्ति क्या है। आज जमीन के अंदर का जो जल है 75% हम खत्म कर चुके हैं, हमारे आने वाली नस्लों के लिए मात्र 25% जल बचा है। तो क्या आपकी हमारी और क्या कांग्रेस की ड्यूटी नहीं कि हम जल को संचित करें, उसको अपने हमारे जो पूर्वजों को दिए हुए जो संसाधन बचे उनको खत्म कर दें। जंगल पहले खत्म कर चुके हैं लोग, अब ये पानी भी 25% बचा है इसको भी। अरे भाई सरकार मना नहीं कर रही, वॉलंटरी तौर पर कहा है कि भाई आप लोग इसको अवॉइड करें ताकि पूरे हरियाणा में, और फिर जहाँ बाढ़ का पानी भरा रहता है वहाँ बोएंगे ना, जहाँ छोटे किसान हैं उनको बोएंगे। तो सुरजेवाला हमेशा झूठ की राजनीति करता है और इसलिए बार बार ऐसे बड़बोलों के कारण, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे प्रदेश में हो, उनकी हालत है।